हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे जानवर पसंद नहीं होंगे। यहाँ पर हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जंगली जानवर, मछलियाँ और बर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी न किसी वजह से बर्फ में बुरी तरह से फंस गए। ये केस बहुत ही देखने लायक है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक के देखते रहना। नंबर 5, फिश। दोस्तों जरा इस अनयूजुअल फोटो को देखिए। इस वीडियो को एंटोनो और एलेक्सी बेबेज नाम के दो भाइयों ने बनाई थी। ये दोनों भाई जब ठंडी के टाइम पर US के इंडियाना स्टेट में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे, तब इन्हें यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सीन देखने को मिला। इन्होंने देखा कि एक मछली दूसरी मछली को अपने मुंह में दबाए हुए है और ये दोनों मछलियां ही बर्फ में जमी हुई है। शुरू में तो उन्होंने इस सीन की फोटो कैप्चर कर ली और उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनके कमेंट बॉक्स में ये कहा कि इन्होंने ये फोटो फोटोशॉप की मदद से बनाया है और ये फोटो बिल्कुल ही फेक है। जिसके बाद ये दोनों भाई उस लेक पर वापस पहुंचे और ये इस बार वहां पर चेंसो लेकर पहुंचे, जिसकी मदद से इन्होंने उस बर्फ के टुकड़े को काटा और इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने वीडियो में भी रिकॉर्ड कर लिया, जिससे किसी को भी इस वीडियो पर डाउट ना हो सके। हालांकि ये अभी भी मिस्ट्री है कि ये दोनों मछलियां आखिर बर्फ में जमी कैसे हैं। नंबर 4, हॉर्स। अभी जो वीडियो आप देखने वाले हो उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। कजाकिस्तान में पेट्रोलिंग के दौरान कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक लेक के पास बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज दिखाई दी। पुलिस ऑफिसर्स को एक जमी हुई लेक में एक दो नहीं बल्कि कई घोड़े जमे हुए मिले। यहाँ के लोकल लोग इन घोड़ों को बांधकर नहीं रखते थे क्योंकि ये घोड़े घूम फिर कर वापस अपनी जगह पर आ जाया करते थे, इसलिए ये इनका पीछा भी नहीं करते थे। लेकिन एक दिन बहुत ही बुरा हुआ और ये घोड़े वापस घर लौटकर नहीं आए, जिससे कंप्लेन जब पुलिस को की गई तब पुलिस के अनुसार घोड़ों को किसी ने चुरा लिया होगा क्योंकि ये एक बहुत ही कीमती चीज होते हैं। लेकिन आखिर ये 42 घोड़े गए कहां, इसका खुलासा 6 महीने के बाद हुआ। जब पुलिस इस एरिया के आसपास पेट्रोलिंग कर रही थी तब पुनः बर्फ में जमे हुए 42 घोड़े दिखाई दिए। लेकिन आखिर ये घोड़े बर्फ में जमे कैसे, ये किसी को भी पता नहीं चल सका। नंबर 3, कैट। इस बेचारी कैट के साथ ये हादसा रशिया में हुआ था। ये पता नहीं किस तरह बर्फ में जम गई, लेकिन ये कोई करिश्मा ही था कि इसकी जान जाते जाते बच गई। जब एक कपल एक घर के पास से गुजर रहे थे तब उन्हें ये कैट दिखाई दी जो कि बर्फ में बुरी तरह से जमी हुई थी। जब कपल ने इस पर गौर किया तब ये देखा कि ये बर्फ में जमी हुई है, जिसके बाद उन्होंने इस बिल्ली को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी और गर्म पानी का इंतजाम किया। इस बिल्ली को बर्फ से निकालने के लिए कई बाल्टी गर्म पानी के लगे। ये बिल्ली बहुत बुरी तरह से जमी हुई थी और अपने पंजे भी नहीं हिला पा रही थी, जिसकी वजह से ये बुरी तरह से रो रही थी। लेकिन ये कपल भी बार बार कोशिश करते रहे और आखिरकार इन्होंने इसे बर्फ से निकाल ही लिया। अब आप इस कैट की हेल्थ के बारे में सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद इसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ा होगा। तो आपको बता दें कि शाम तक के इस कैट ने चलना फिरना शुरू कर दिया और दूसरे दिन ये घर से भाग गई। नंबर 2, ग्रुप ऑफ फिश। ये अजीब सा करिश्मा 2016 को यूनाइटेड स्टेट्स के एक लेक में हुआ था, जिसमें देखा जा सकता है कि ये पानी की पूरी लहरी बर्फ बन गई है और इसमें एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मछलियां हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मछलियां कूदने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन बहुत ही ठंडी लहर में ये जम गई और हमें ये फोटो देखने को मिला। लेकिन इससे बहुत से परिंदों का फायदा हो गया क्योंकि उन्हें बिना मेहनत किए अपना शिकार मिल गया। नंबर 1, फॉक्स। अभी जैसे कि आपने कैट की स्टोरी सुनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फॉक्स उस कैट की जितनी लकी नहीं थी। फॉक्स की ये फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही थी, जिसमें देखा जा सकता है कि ये लोमड़ी बर्फ में बुरी तरह से जमी हुई है। लेकिन इसके इतने फोटो को देखकर ही पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि ये रियल जानवर है या फिर इस फोटोग्राफर ने किसी डॉल को बर्फ में जमा कर फोटोग्राफी की है। अगर तो ये असली जानवर की फोटो है तो इसके लिए हमें बहुत ही दुख है कि ये इस तरह से बर्फ में जमकर मारी गई। दोस्तों आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।